नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि जैन है और हमारा हॉस्टल का नाम पाराजीवन द्वीप है। मैं इसकी ऑनर हूँ और ये एलन एंड संज्ञान बिल्डिंग से 200 मीटर्स की दूरी पर है और एलन सम्यक बिल्डिंग से 350 मीटर्स की दूरी पर है। हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए फुल फर्निश रूम है जिसमें बॉक्सिंग बैड है, स्टडी टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, एसी है, कर्टन्स हैं विद लेट बाथ है एंड बेस्टर्न सीट के साथ है। हमारे यहाँ गर्ल्स में अगर फूड की बात करें तो हम फूड क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। हम चार टाइम फूड प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट ब्रेकफास्ट, सेकंड लंच, थर्ड इवनिंग स्नैक्स, फोर्थ डिनर। फर्स्ट ब्रेकफास्ट में हम टी के साथ दूध भी प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पर। जो लड़कियाँ टी नहीं पसंद करती हैं हम उनके लिए दूध प्रोवाइड करते हैं और नाइट का दूध भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ गर्ल सेफ्टी की बात करें तो वार्डन मैम 24 आवर्स रहते हैं, सिक्योरिटी अंकल 24 आवर्स रहते हैं, वाईफाई हर फ्लोर पर अलग अलग है जिससे ना बच्चों को लेक्चर्स लेने या फिर लेक्चर्स देखने में बहुत आसानी रहती है। और 24 आवर्स पावर बैकअप है, वाटर कूलर है, आरओ है एंड सीढ़ियों के साथ लिफ्ट भी प्रोवाइड की जाती है। और इसमें मेरी मदर भी मेरे साथ देती है क्योंकि मेरी मदर भी मेरे साथ इसको रन करने में मेरी काफ़ी हेल्प करती है। और आप लोग भी यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए और ना नीट की तैयारी काफ़ी अच्छे से कीजिए और एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम को फोड़ दीजिए। हाय, तो आप लोग सभी कैसे हैं? तो इस हॉस्टल के रिगार्डिंग, गर्ल्स हॉस्टल के रिगार्डिंग जो कि लैंडमार्क में है, नाम है इसका पाराजीवन द्वीप। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इस हॉस्टल की मिल चुकी है लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको कि जो गर्ल्स हॉस्टल है इसका नाम है पाराजीवन द्वीप गर्ल्स हॉस्टल। और लोकेशन की बात करें तो लैंडमार्क सिटी में जो एलन की संज्ञान बिल्डिंग है वहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस पर ही हॉस्टल रहेगा। एलन की जो सम्यक बिल्डिंग है वहाँ से 350 मीटर की डिस्टेंस पर रहेगा और एलन की जो सम्यक बिल्डिंग 2 है वहाँ से ये हॉस्टल जो है लगभग 350 मीटर के आसपास ही रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई डिस्टेंस की बात। अब बात करें इसमें कितने रूम है, तो टोटल जो है इसमें आप 40 रूम बुक कर सकते हैं। इस 40 रूम में 10 रूम तो वो है जो कि बालकनी वाले, यानी कि बालकनी वाले 10 रूम है और बाकी बचे हुए जो रूम है वो नॉन बालकनी वाले रूम है। तो रेंट की बात करें तो रेंट जो है बालकनी वाले रूम का आपको देना पड़ेगा 15,000 रुपये प्रति महीना और नॉन बालकनी जो रूम है उसका देना पड़ेगा आपको 14,000 रुपये प्रति महीना। ठीक है, तो बुकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बुकिंग के लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं ये हमारे UPI नंबर है। ठीक है, तो आप फोन पे और पेटीएम के थ्रू आपको 3,000 रुपये मात्र करने हैं। ठीक है, इससे आपका टोकन अमाउंट हो जाएगा और जब आप ऐसा कर देते हैं ठीक है तो इससे आपका क्या होगा, रूम बुक हो जाएगा। और रूम बुक करने के फायदे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप सपोज़ आपने रूम बुक कर लिया, ठीक है, आपका रूम डन हो गया, तो इस कंडीशन में आप जहाँ से भी आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप स्वयं आ रहे हैं, तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट इस हॉस्टल में आना है और कहीं पर भी नहीं जाना है। तो आप आकर यहाँ पर आराम से 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक पेरेंट्स के रुकने की फिर यहाँ पे जो है ना स्टार्टिंग में व्यवस्था रहेगी। रुकने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, मम्मी से भी नहीं लिया जाएगा, पापा से भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब पेरेंट्स बच्चों को शिफ्ट करने के लिए आ रहे हैं तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 3,000 रुपये में आपको डायरेक्ट बुकिंग करने के बाद में आपको डायरेक्ट हॉस्टल पर ही आना है, आराम से आप रेस्ट करिए एक दिन और अगले दिन जो है आपको एडमिशन वगैरह कराना तो आप अपनी बिल्डिंग पर जा सकते हैं या फिर एडमिशन करा के डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं और जो है आपका हॉस्टल बुक ही हो गया, यानी कि आपका हॉस्टल बुक हो गया। अब आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज लैंडमार्क सिटी में आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी नीट का बच्चा यहाँ पर है क्योंकि वो गया नहीं है, तो उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड तो है क्योंकि न्यू बैच आ चुके हैं। ठीक है, 3 अप्रैल से न्यू बैच है, 16 अप्रैल से न्यू बैच है, 26 अप्रैल से न्यू बैच है, तो इस कंडीशन में क्या है, पेरेंट्स तो खूब आ रहे हैं ठीक है और बच्चे भी खूब आएंगे लेकिन उनको यहाँ पर हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों के पास 40 हॉस्टल है सिर्फ, इस 40 हॉस्टल में 10 तो बालकनी वाले रूम है और नॉन बालकनी वाले 30 रूम है। अब आपका बजट 14,000 है तो आप नॉन बालकनी वाला बुक कर सकते हैं और 15,000 है तो बालकनी वाला बुक कर सकते हैं। तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है ये हमारा UPI नंबर है, आपको फोन पे या पेटीएम से जो है 3,000 रुपये का टोकन अमाउंट जो है पेड करना है। अब जब आप 3,000 रुपये कर देते हैं तो इसके आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि इसके आगे के प्रोसेस के लिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा हॉस्टल बुक करने का, तो उसमें आपको अपनी सारी डिटेल वगैरह फिल करनी है जिसमें आपकी ईमेल आईडी होगी, आपका नेम हो गया, आपके पिताजी का नेम हो गया, फादर का नेम हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो गए और आपको जो आपने हमें अमाउंट पे किया है 3,000 रुपये का उसका स्क्रीनशॉट आपको उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप वो फॉर्म भर देते हैं, सारी डिटेल वगैरह कर देते हैं, तो उसके आधे घंटे के अंदर हम लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको जो है स्लिप बनाकर भेज देंगे जिसमें आपका रूम नंबर वगैरह लिखा रहेगा। यानी कि आपको डायरेक्ट जब सारे प्रोसेस आप गुजर जाएंगे, यानी कि आपका रूम बुक हो गया, तो आपको इस कंडीशन में कुछ नहीं करना, आपको अपने एरिया से डायरेक्ट इस हॉस्टल में आना है। ठीक है, आपका जो रूम नंबर आपको मिलेगा उस रूम नंबर के अंदर आराम से आपको रिलैक्स होकर फिर आप कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए जा सकते हैं, तो यानी कि आपकी जो थकान वगैरह ना वो निकल जाएगी। पहली बार में पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर रहने की कोई मतलब
एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको फूड का चार्ज देना होगा, जो भी 50-60-70 रुपए पर डाइट का पैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और 3000 रुपए में आपको रूम वगैरह बुक करना है और बुक करने के बाद में आप रिलैक्स हो जाएंगे। और यदि आपका बजट वाकई में 14,000-15,000 रुपए है लैंडमार्क सिटी में पढ़ने के लिए हॉस्टल में, तो बाकी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग रह सकते हैं 14-15,000 रुपए का जो भी बजट है, यदि आपका ऐसा है तो फटाफट बुक कर लीजिए, क्योंकि बालकनी वाले रूम बुक हो जाएंगे तो जो फॉर्म है उस फॉर्म में से बालकनी का ऑप्शन हट जाएगा, और जो बाकी बचे रूम भी बुक हो जाएंगे तो पूरा फॉर्म ही आपको हटा देंगे, यानी कि रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में आप जो है इस हॉस्टल में फिर अपना रूम जो है बुक नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट बुक कर लीजिए यदि आपका बजट इतना है तो। और इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं।